जय हिंद एवरीवन मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में आप करता हूं आई होप यू आर वेल और आवाज मेरी क्लियर है बिल्कुल एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से आवाज आ रही है ठीक मेरी चलो ग्रेट सो बेसिकली आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स के एफकेट वाले पोर्शन में स्पोर्ट्स के जितने क्वेश्चन आते हैं चाहे वो स्टैटिक हो करेंट हो टूर्नामेंट्स हो या अभी आपके लास्ट सिक्स मंथ में जो आपके मेजर इवेंट्स हुए हैं उन सब पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जहां पे भी समझने वाला पार्ट है वो सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं सेशन बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसको कंपाइल करने में बहुत टाइम लगा So भाई, वन भाई वन बाई वन करके पूरा देख लेना आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एंड क्वेश्चन है won ये किसने जीता है आपको बताना है जल्दी बताइए जल्दी बताइए ये किसने जीता हुआ है ये आपको बताना है हु रिसेंटली वो द डायमंड लीग अभी ये सबसे ज्यादा न्यूज में इसलिए था और आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस भी होते हैं इसका जो राइट आंसर है भाई वो क्या है क्या आंसर आप लोगों का तुम लोग अभी देख लो जरा जी सो हमारे ये नीरज चोपड़ा जी हैं ठीक है थीके? और ये गोल्ड मेडल लेके आए थे आपको 2021 के ओलंपिक्स में टोक्यो ओलंपिक्स में अच्छा इसके अलावा जो नीरज चोपड़ा है वो फर्स्ट इंडियन बने क्या बने फर्स्ट इंडियन फर्स्ट इंडियन इंडियन टू विन ज्यूरिच डायमंड लीग ठीक है ये आप बात याद रखेंगे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इंडियन टू विन ज्यूरिच डायमंड लीग ठीक है याद रहेगा ज्यूरिस डायमंड लीग ठीक है ये आपके 2022 में हुआ था ये ज्यूरिस डायमंड लीग और ये आपका स्विट्जरलैंड में हुआ था कहां पे हुआ था स्विट्जरलैंड में ठीक है इस बात को लिख रहा ना कलर में आप लोगों को वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो चलो गुड ठीक है अबे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है अभी इसमें चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट इज विश टूर्नामेंट इज अर्लियर नोन एज द आर्मी कप जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए होंगे तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा था सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन पूछा हुआ था काफी लोगों के सही जवाब आए थे जल्दी बताइए लैग हो गया क्या ये नहीं ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ विश टूर्नामेंट इज अर्लियर नोन एज आर्मी कप जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी ये आपका क्वेश्चन है यस सो राइट आंसर कप क्या है आपका दुरंत कप है अब दुरंत कप किस गेम से एसोसिएटेड है इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर संतोष ट्रॉफी हो गया मेरडिका कप हो गया कोलंबो कप हो गया ये सारे किन किन गेम से हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि बताइए जो आपका दुरंद कप है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है किस गेम से तो आप बोलेंगे कि सर इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल राइट दुरंद कप किससे जुड़ा हुआ है फुटबॉल से है ना अगर मैं आपके एफकेट एग्जाम की बात करूं तो अगर स्पोर्ट्स के आपके चार से पांच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसमें या तो क्वेश्चन आपके टूर्नामेंट के ऊपर होंगे या फिर कौन सा इवेंट कहां होने वाला है ये पूछ लेगा या फिर कोई गेम का इंपॉर्टेंट टर्म पूछ लिया कि बताओ ये टर्म किस गेम से एसोसिएटेड है या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि भैया ये जो एम पर्सनालिटी है वो किस गेम से जुड़ी हुई है ठीक है तो इसका क्या होगा फुटबॉल वेरी गुड वेरी गुड अच्छा एक बात सोचना अगर ये फुटबॉल डुरंड कप है तो फुटबॉल से जुड़े हुए जितने भी आपके टूर्नामेंट हैं वो सारे देख ले हम लोग जल्दी बोलो फुटबॉल से जुड़े हुए जितने टूर्नामेंट वो करा दू साहब सारे आपको जल्दी चलो अभी करा देता हूं एक बार में सारे हो जाएंगे देखिए सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट में आएगा याद करते हैं देखिए फुटबॉल में अब देखो पता है फुटबॉल कंट्री लेवल पे भी लोग खेलते हैं क्लब लेवल पे भी खेलते हैं और कुछ हमारे टूर्नामेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं कंट्री के अंदर के तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको करा रहा हूं सबसे पहले आपका आएगा आप यहां पे लिखेंगे आप यहां पे लिखेंगे फुटबॉल कि भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैच वालों जो तुमको इंपॉर्टेंट में कराया था वो तो याद रखेंगे रखेंगे और इसको भी इसके भी नोट्स ले लेना क्लास के बाद इसकी पीडीएफ हंड्रेड पर्सेंट में शेयर कर दूंगा ठीक है टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे मतलब कहां पे तो डिफेंस में सर्च कर लेना वेरीफाइड अकाउंट हो टेलीग्राम पे फेडरेशन कप दुरन कप संतोष ट्रॉफी उसके बाद है आपका बांधोकर ट्रॉफी चकोला ट्रॉफी डीसीएम ट्रॉफी डॉक्टर बीसी ट्रॉफी जूनियर वाला ये मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी सैयद नागजी ट्रॉफी निजाम गोल्ड कप उसके बाद आपका सुब्रतो कप और सीजर्स कप ये सारे आपके कप फुटबॉल में इंपॉर्टेंट हैं। एक बार दो बार जब रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि भैया कौन सा कब किससे जुड़ा हुआ है ठीक है डेफिनेटली ही नहीं आपका जिनका सीजीएल एग्जाम चल रहा है उसमें भी हेल्प करेगा प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स की क्वेश्चन जहां आते हैं चाहे वो करेंट हो या स्टैटिक हो आपको ये पूरा पूरा हेल्प करेगा ठीक है सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है ठीक है यहां तक का हो गया चलो नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट 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 आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि कंट्री कंट्री विल होस्ट 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सी ऐसी कंट्री है जो 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट होस्ट करने वाली है एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्क्रीन पे आधा मैं ही दिख रहा होता हूं मेरे को बार बार मूव करना पड़ता है जल्दी बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है सब कुछ क्लियरली विजिबल है ना गाइस सब समझ में आ रहा है कौन सी ऐसी कंट्री है फराज़ सीएपीएफ में भी आता है यार स्पोर्ट्स हर एग्जाम में आता है भाई हर एग्जाम में पूछते हैं स्पोर्ट्स को ठीक है हर एग्जाम में आपका स्पोर्ट्स आता ही आता है चले तो आप बोलेंगे गलत जवाब आप लोगों का सबसे पहली बात Which will host 2023 2023 में हो रहा था तो ये चाइना इसके लिए जगह लिया गया था लेकिन कोविड 19 यानी कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इसको कतर शिफ्ट कर दिया गया पर कतर ऑलरेडी बहुत सारे टूर्नामेंट करा रहा है वहां पर एसोसिएट था और वहां पर जुलाई के टाइम पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है इसीलिए इस इवेंट को अब जैन फैब 2024 में शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन ये कतर इसका राइट आंसर है तो ट्रिकी क्वेश्चन था 2023 पूछे एशियन का फुटबॉल तो आप कतर ही टिक करेंगे ठीक है क्या करेंगे कतर लेकिन जो आपका कौन सा है हाँ जो आपका दो वाला है 2027 वाला जो आपका एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट होगा वो सऊदी अरबिया कर रहा है इसकी डेट्स भी आ गई है ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है तेईस वाला कतर और चार साल बाद दो सत्ताईस वाला कौन करेगा तो सऊदी अरेबिया करेगा ठीक है याद हो गया आगे बढ़े चलिए ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट 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 उसके बाद है विच एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ वो फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का वो कौन सा एडिशन था जो 2022 में खेला गया फीफा वर्ल्ड कप पता है आपको फुटबॉल के लिए लार्जेस्ट टूर्नामेंट है फुटबॉल के कुछ टूर्नामेंट हमने देखे अभी हम फीफा के बारे में जानेंगे बताइए कौन बताएगा तुम में से ये मैथ्स की टेन आवर्स मैराथन किस किस ने देख ली है पूरी कंप्लीट बताइए विच एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2022 ये आपको बताना है क्या यार तुम लोग एकदम नहीं पढ़ रहे हो भाई एकदम नहीं एकदम नहीं एकदम नहीं यार ये बाईसवा था कौन सा था 2022 2022 में इसका बाईसवा एडिशन हुआ था याद कर लेना 2022 में इसका बाईसवा एडिशन हुआ था ट्वेंटी सेकेंड दो हजार बाईस के अंदर फीफा वर्ल्ड कप का ठीक है याद रखिएगा भैया वेरी गुड वेरी गुड सो अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ है वो कौन सा एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का तो आप बोलेंगे बाईसवा एडिशन डन चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अच्छा जब फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी बहुत ही जरूरी हैं जैसे कि देखिए सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विनर कौन था तो आप बोलेंगे अर्जेंटीना राइट गोल्डन बूथ अवार्ड किसको मिला तो मैक्सिमम गोल्स किसने मारे थे एट गोल्स एम्बापे में तो कैलेन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला अच्छा ये बताओ एम्बापे किस टीम से थे ये आप बता दो गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला मेसी जी को एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला तो आप ये बोलेंगे मार्टिनेस को मिला किस लिए ये मतलब ये गोल्डन जो ग्लोब है वो मिलता है आपका देखा होगा आपने जो उन्होंने एक्शन किया था ये मिलता है गोलकीपर को ठीक है गोलकीपर को तो फिफा वर्ल्ड कप से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका यहां से हो जाने चाहिए ठीक है यहां से आपके हो जाने चाहिए। विनर कौन थे? अर्जेंटीना गोल्डन बूट किसको एम्बापे मोस्ट गोल यानी एट गोल्स के लिए उसके बाद गोल्डन अच्छा ये बताओ ये प्लेयर प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया वो भी हमारे मेसेज जी वेरी गुड तो जो एम्बापे वो कहां से है फ्रांस से खेल रहे थे कहां से खेल रहे थे फ्रांस से चलिए फीफा यहां तक हो गया क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं ना स्पोर्ट्स वाले लास्ट महीने में यानी अगर मैं अक्टूबर से भी से भी उठाऊं 2022 तो बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं हुए हैं पर जितने भी हुए हैं और जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने उठा लिए हैं मैं आपको बता दूंगा कौन से रटने वाला पार्ट है कहां पे आपको रटना है लेकिन स्पोर्ट्स का काम आपका खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा ठीक है हाँ जी गोल्डन ग्लोब का पूछा था वेरी गुड चले आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छा जब फुटबॉल की बात हो रही है तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो फुटबॉल गेम से एसोसिएट होते हैं शायद अगर जब फुटबॉल की चर्चा होता है, तो ले, तो आप स्ट्राइकर मिडफील्डर डिफेंडर असिस्ट ऑफ साइड कॉर्नर ये पेनाल्टी इंपॉर्टेंट फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट के टर्म्स हैं। इस फील्ड आप जो देख रहे हो इसकी मेजरमेंट वगैरह आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है क्या है मेजरमेंट वगैरह पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं है आप एसएससी में नहीं हो ये एसएससी वगैरह पूछ लेते हैं मेजरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन ठीक है तो आपने टर्म्स देख लिए डन टर्म्स तक हो गया आपका अब आपसे अगर ये पूछ ले कि बताइए फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं एक साइड में तो आप बोलेंगे कि सर वन साइड में इलेवन प्लेयर खेल रहे होते हैं राइट स्ट्राइकर जो फ्रंट से खेल रहे हैं डिफेंडर जो बीच में है जो डिफेंड कर रहे हैं गोल को और मिड वाले मिड में टोटल ग्यारह प्लेयर्स होते हैं इस फुटबॉल के गेम में जब फुटबॉल की बात अभी तुम लोग जब नोट्स बनाते हो तो प्लीज ऐसी बनाया करो कि आपने एक क्वेश्चन देखा तो उसका बैकग्राउंड कैसे पता होगा कि एक टूर्नामेंट है तो बताओ उस गेम के और कौन-कौन से टूर्नामेंट्स होंगे उस गेम की ट्रॉफीज कौन-कौन सी हैं प्लस उस गेम के रूल्स क्या-क्या हैं ठीक है वेरी गुड सब करा दूंगा ये ऑल इन वन स्पोर्ट्स क्लास कहने का मतलब ही ये था ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन है आपका हु इज लियोन मर्चेंट ये कौन है हु इज लियोन मर्चेंट अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है आपके लियोन मर्चेंट जी कौन है जल्दी बताइए हु इज लियोन मर्चेंट जल्दी बोलो हु इज लियोन मर्चेंट तो आप बोलेंगे very good. तो भाई ये एक स्विमर है जिन्होंने 400 मीटर वाले स्विमिंग में अभी हमारे माइकल फिलिप भैया का रिकॉर्ड तोड़ा है ठीक है और अभी आपको पता ही है कि माइकल फिलिप रिटायरमेंट ले चुके हैं तो ये उन्होंने पहला रिकॉर्ड तोड़ा है और उसके पहले भी वो काफी क्लोज थे काफी ज्यादा क्लोज थे और कुछ वन सेकेंड के आसपास का जो गैप है वो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है लियोन मर्चेंट अच्छा अगर इनकी उपलब्धियों की मैं बात करूं तो ये आप देख रहे हैं ये हैं आपके ये हैं हमारे फिलिप भैया और ये हैं आपके लियोन मर्चेंट जी फिलिप भैया आपके 28 मेडल जीत चुके हैं पांच ओलंपिक में 28 मेडल में से इनके 23 गोल्ड हैं तीन सिल्वर हैं और दो ब्रोंज है ये आपके मर्चेंट जी हैं ये हमारे फिलिप भैया हैं एक बार देख लो इनकी बॉडी ठीक है स्विमर है वो ठीक है सही है यहां तक सभी को क्लियर वेरी गुड वेरी गुड अच्छा जानने की खास बात ये है कि इन दोनों के जो कोच हैं स्विमिंग कोच जो हैं वो सेम है समझ रहे हो मतलब जिस द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया वही दूसरे को भी चलिए आगे नेक्स्ट है इन विच ईयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड पहला ओलंपिक गेम किस साल में हुआ था आपका एपकेट जब भी पूछता है आपको पता है इसका राइट right आंसर जो है वो क्या है 1896 यानी कि अठारह में हुआ था और आपको ये भी पता होगा कहां हुआ था तो आप बोलेंगे कहां पर कहां हुआ था बताओ एथेंस में ठीक है कहां हुआ था एथेंस में राइट वेरी गुड अब जब बात ओलंपिक की छिड़ गई है तो ओलंपिक के जितने भी तथ्य हैं वो सारे जान लेंगे कि आखिर ओलंपिक में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो स्टार्ट तो हुआ था आपका 1896 में लेकिन इम्पोर्टेंट क्या क्या है सबसे पहले ओलंपिक के अंदर जो ये आपको पांच रिंग्स दिखती हैं ये कोई एरी गैरी रिंग्स नहीं है इन ये पांच कॉन्टिनेंट दिखा रही हैं जैसे कि ब्लू वाला यूरोप को येलो एशिया को ब्लैक अफ्रीका को ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को एंड रेड अमेरिका को 2020 का जो आपका ओलंपिक था वो कहा हुआ था तो आप बोलेंगे ये आपका हुआ 2020 2020 का जो ओलंपिक था 2020 में हुआ था इक्कीस में हुआ था यार सॉरी यहां पे हाँ 21 कर लो 21 21 21 ये आपका हुआ था टोकियो में कहा हुआ था टोकियो में तो आप बताइए कि 2024 वाला कहां पे होगा हाँ मतलब 20 वाला 21 में हुआ था ठीक है कोविड ओविड की तो आप बताइए कि 2024 वाला कब हो कहा होगा 2024 जल्दी तो आप बोलेंगे कि सर 2024 वाला कहा होगा पेरिस यानी कि फ्रांस में फ्रांस में होगा राइट ये वही ओलंपिक है जहां पे टोकियो वाले जो ओलंपिक है दो में जो हुआ था जिसमें हमारे नीरज भैया ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मारा था राइट क्या किया था गोल्ड वेरी गुड ठीक है अगर आपसे कोई यह पूछे कि इंडिया की रैंक क्या थी अगर कोई आपसे यह पूछे कि इस ओलंपिक में मेडल वाइज इंडिया की रैंक क्या थी तो क्या बताओगे इंडिया की रैंक इंडिया की रैंक क्या थी तो आप बोलेंगे कि इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 48 क्या थी 48 और सबसे पहला मेडल जो लेके आई थी हमारी कंट्री के लिए वो थी मेरा भाई चानू जी ठीक है अभी ओलंपिक का बाकी लोगों को तो मैंने कराया अभी ये स्टार्ट कब हुआ, कब हुआ होने वाला है और लास्ट इवेंट क्या क्या चीजें हुई थी वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट है आपका विच कंट्री इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कौन सी कंट्री आपकी हीरो एशियन हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है यह ऐसी ट्रॉफी है जिन पे पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनी जाता है फंस जाता है बोलिए हीरो एशियन चैंपियनशिप 2023 में जो कौन सी कंट्री है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है राइट right. क्या बोलते हो क्या लगता है क्या लगता है आपको कौन सी नहीं कर रही है <laughs> मुझे पता था कि सबका आंसर सी 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 पाकिस्तान होगा क्योंकि पाकिस्तान के हालात अभी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं तो तुम लोगों को भी ये लग रहा होगा कि जिनके घर की हालात ठीक नहीं है वो क्या ही गेम्स खेलेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये सारी ही कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान और इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ये चार की चार कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन टोटल कितनी कंट्रीज कर रही हैं? तो मैं आपको बता दूं टोटल में आपकी इन चारों के अलावा देखिए ये हमारी सारी हैं। इंडिया चाइना जापान कोरिया पाकिस्तान एंड मलेशिया ये सारी कंट्रीज हीरो एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है इनके अलावा अगर कोई और कंट्री देगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ठीक है अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक कर देंगे ठीक है इसके अलावा अगर कुछ भी आपसे पूछ लिया तो चले ठीक है ना चलिए अभी आ रहा है ना समझ में थोड़ा 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 क्या आना ही चाहिए यार एमसीक्यू फॉर्म में है भाई कंपाइल करने में टाइम लगाए तुम्हारे दिमाग में तो यूं चला जाएगा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है इसको कंपाइल करने में मेरी लगी है ढंग से ठीक है ये सारी की सारी कंट्रीज आएंगी ओके चलो भाई वेरी गुड नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका विच स्पोर्ट्स वॉर सॉरी विथ विच स्पोर्ट्स सलीम दुरानी एसोसिएटेड सलीम दुरानी जी, जी जो हैं, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे ये आपको बताना है सलीम दुरानी का क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि रिसेंटली बहुत रिसेंटली इनका देहांत हुआ है तो जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो अब नहीं रहे में उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप बोलेंगे जल्दी बताइए सलीम दुरानी क्या वो फुटबॉल से जुड़े हुए थे क्या हॉकी से थे क्या क्रिकेट से थे या फिर आपके टेनिस से थे बताइए तो आप बोलेंगे वेरी गुड क्रिकेट से थे सलीम दुरानी जी एक एमिनेंट क्रिकेट प्लेयर थे जो कि इंडिया से बहुत सारे टेस्ट में हमें रिप्रेजेंट कर चुके तो ध्यान रखना सलीम दुरानी यानी कि क्रिकेट ठीक है कुछ और टिक मत करना वेरी गुड शिवानी ने पढ़ाया था वेल वेरी गुड चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ईरानी ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी का लिंक किससे है ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स फुटबॉल हॉकी क्रिकेट या बैडमिंटन ईरानी ट्रॉफी जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है जल्दी बताइए ईरानी ट्रॉफी तो पशुओं ज्यादा नहीं होगा मैक्स मैक्स एक घंटे का ठीक है तो आप बोलेंगे कि इसका एसोसिएशन भी किससे है क्रिकेट से है तो भैया अभी सलीम दुरानी जी की बात हो गई उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल गया हमें क्रिकेट का राइट right? तो एक काम करते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपके टूर्नामेंट्स बनते हैं उन सबको देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं देख लेना सबसे पहले आपका आएगा सीके नायडू ट्रॉफी उसके बाद रणजी ट्रॉफी फिर ड्यूलिप ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी एनकेपी सालवे चैलेंज ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रानी झांसी ट्रॉफी कूच बेहर ट्रॉफी विजय मर्चेंट ट्रॉफी विनोद मानक ट्रॉफी द मोइनुद्दीन गोल्ड कप ये भी हो गया उसके बाद द शीश महल क्रिकेट टूर्नामेंट ये सारे क्रिकेट के हैं एंड इससे बाहर नहीं आएगा अगर ये माइंड में रख लोगे अच्छा अगर इसको याद करने में दिक्कत हो रही है तो डिफेंस में इनिया ऐप पे जो टेस्ट सीरीज है ना टेस्ट सीरीज जो फ्री में है सबके लिए वहां पे इसके क्विक क्विक क्वेश्चन बना दिए मैंने मतलब कि आप क्विज फॉर्म में देख के उसको सॉल्व कर सकते हो तो ऐप डाउनलोड करके वहां पर देख लेना अगर नाम मिले तो वहां पे हेल्प में पूछ लेना आपको पता चल जाएगा बाकी पास फाइंडर वाले बैच में सारा डाला हुआ है ठीक है चलो इससे बाहर नहीं आएगा भाई चार चार बुक्स लेके कंपाइल लेकर बता रहा हूं चार चार बुक्स लेके इससे बाहर नहीं पूछे ठीक है वेरी गुड अनुराग पांडे वेरी गुड अगर सारे याद है वेल एंड गुड ठीक है ये सारे बाकी पीडीएफ बताता हूं आफ्टर क्लास एक आध घंटे का टाइम देना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ठीक है डिफेंस मैनिया वाले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका वो है थॉमस कप जो है वो किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है ये भी आपके एफकेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थॉमस कप किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है ये पूछा है आपसे थॉमस कप जल्दी बताइए थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विद स्पोर्ट्स क्या बताइएगा आप थॉमस कप जल्दी कहां गए आंसर वेरी गुड तो भैया इसका एसोसिएशन किससे है बैडमिंटन से है बैडमिंटन से अच्छा ये बताओ अभी हमने क्रिकेट के टूर्नामेंट देखे थे क्रिकेट वाले में कितने प्लेयर इलेवन तो अब बात आ गई बैडमिंटन की आपको पता है बैडमिंटन सिंगल में वन वन होते हैं और डबल में दो दो होते हैं लेकिन बैडमिंटन से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन को देख लिया जाए तो बैडमिंटन में सबसे फेमस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारे एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आ सकते हैं वो है हमारे थॉमस कप उबर कप सुधीर रमन कप मलेशिया मास्टर्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडोनेशिया मास्टर्स एंड स्पेन मास्टर्स ये वो टूर्नामेंट है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ठीक है ईमानदारी से बताना कितने लोग अभी नोट्स बना रहे हो सही सही बोलना एकदम सच्चाई कितने लोग अभी नोट्स बना रहे हो सच्चाई बोलें कितने लोग बना रहे हो नोट्स सो आपने जिन जल्दी बताओ वेरी डिफेंस जो बना रहे हो बहुत समझदार हो मुझे पता है ये पीडीएफ अगर दे भी दूंगा पड़े के पढ़े रह जाएगी कुछ नहीं होगा इसका समझो बात को वेरी गुड जो बना रहे हैं भैया वो सीरियस हैं एंड एक बात ध्यान रहे अब आपके पास ऐसा कोई बहाना तो है नहीं राइट right? हमने मैथ्स uh, के लिए टेन आवर्स मैराथन कर ली प्ले में डाल दिया पूरी रीजनिंग पढ़ा दी डाल दिया अब ये आप सबके लिए एफकेट मेनिया पे क्रैश कोर्स और लेके आ गए अब क्रैश कोर्स में एक एक दिन का गैप दिया है मैंने ताकि आप रिविजन कर सको और पढ़ सको जो फॉलो करते होंगे उनको पता है कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है यानी कि परसों आज दो तारीख है तीन आपको पता होना चाहिए कि चार तारीख को हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है ना वेरी गुड पात कौशिक पता है ना चारों क्या पढ़ने वाले हैं कैमरे का एंगल माइनस करूं मैं वो कैसे होता है गाइस चार को क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ तो ये आपके बैडमिंटन का हो गया अच्छा कुछ ऐसे कप्स भी हैं वेरी गुड वेरी गुड प्लेलिस्ट सेव कर लेना और शेयर भी कर देना अच्छा ये तो हो गए इंपॉर्ट वाले कुछ ऐसे कप भी हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी माइंड में होने चाहिए डोमेस्टिक लेवल के जिनको बोलते हैं हम लोग ठीक है अब हैं तो एक बार देख लो कौन से अमृत दीवान कप गुलाब राय चड्ढा कप इब्राहिम उसके बाद डॉक्टर देवराज नारंग कप मोहम्मद सफी कुरैशी कप विकास टोपीवादा कपे रमाशवामी कप उसके बाद सॉरी हाँ रामास्वामी कप महारानी गायत्री देवी कप उसके बाद चित्रंजीत लाल मदन कप बर्दवान कप मतलब बहुत सारे हैं मिस्टर्स अफसर कप फैजल अहमद ट्रॉफी एंड आर आर नैयर ट्रॉफी ये भी कुछ ट्रॉफीज हैं अगर वो पहले वाला याद हो जाए और दिमाग में थोड़ा बहुत बचे तो प्लीज इसको भी देख लेना ठीक है चलिए 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 आगे आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ उसके बाद लिखा है कि जो आपका नेहरू कप है क्या लिखा है नेहरू कप वो किस गेम से जुड़ा हुआ है नेहरू कप इज एसोसिएटेड टू विच गेम नेहरू कप बताइए नेहरू कप किस गेम से लिंक्ड है नेहरू कप नेहरू कप तो आप बोलेंगे यस एग्जैक्टली exactly,

गा खान गोल्ड कप उसके बाद बैंगन कप ध्यानचंद ट्रॉफी ऐसे याद हो जाएगा लेडी रतन तो टाटा ट्रॉफी उसके बाद मुरगप्पा कप टॉमी कप सुरजीत मेमोरियल टूर्नामेंट उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है सुल्तान अजलन शाह कप रंगा स्वामी कप बॉम्बे गोल्ड कप स्टैनले कप स्काई इंडिया कप बेगम रसूल ट्रॉफी श्री मोहम्मद शाहिद हॉकी टूर्नामेंट श्री बीपी सिंह हॉकी टूर्नामेंट एंड सुरजीत मेमोरियल हॉकी ये सारे ये इतने लिस्ट डाउन है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं तो दीज आर फेमस टूर्नामेंट्स ऑफ हॉकी हॉकी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो इससे बाहर नहीं होगा ठीक है रट्टा तो मारना ही है। है? इसको कैसे रिलेट करना है? क्या क्या चीजें याद करनी है? कर लोगे। में वाला पोर्सन हो हिस्ट्री हो पॉलिटिकन बाई वन पे सब आते चाहिए That's why I'm saying कि ये सारे quiz form में डाले हैं पे भी पे भी देख सकते हो रटने में तुम्हें आसानी मिलेगी ठीक है में आसानी मिलेगी चलो आगे देखते हैं so है भाई लोग हमारा वो है से किसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया या हो गई हैं बताइए प्रोफेशनल टेनिस गेम से किसने अपना अनाउंसमेंट हां जी हाँ जी बिल्कुल जय याद बिल्कुल सही तो आप बोलेंगे कि ये हमारे सानिया मिर्जा जी हैं इंडिया इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है कौन है सानिया मिर्जा जी जिन्होंने अपना जो अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का ठीक है अच्छा जब टेनिस की बात हो रही है तो आप सबको पता है कि टेनिस के कुछ फेमस टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि ग्रैंड स्लैम और ग्रैंड स्लैम्स चार होते हैं अब चार में तीन तो हो गए दो में एक दो वाला है उन सबको देख लेते हैं कि मेन्स में और वुमेन्स में किस किस ने जीत लगाई तो सबसे पहले करेंगे बात करेंगे कि भैया मेंस ग्रैंड स्लैम के टाइटल के विनर कौन है तो आप बोलेंगे

यूएस ओपन होना बाकी है ठीक है दो का अभी यूएस ओपन होगा ठीक है दोहर का अभी होना बाकी है ठीक है याद रहेगा ये ग्रैंड स्लैम है राइट ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन विमडन ओपन एंड फ्रेंच ओपन ठीक है याद रहेगा चलो अबे रोहन भैया ने अपना अच्छा खासा जीत लिया है ठीक है चलो नेक्स्ट पे आ जाओ क्या पता डायमंड इसीलिए मार दिया भैया ने है ना इज्जत बची रहनी चाहिए ओके वुमेन्स ग्रैंड स्लैम की बात की जाए तो जो 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 आपकी 2023 की विनर है रुजो यार एक मिनट जो आपकी 2023 की विनर है ऑस्ट्रेलियन ओपन की वो है आपकी अराना सबलेंका फ्रेंच ओपन की कौन है आएगा क्या नाम है स्वाइटेक राइट और 2023 के विंबलडन ओपन किए हैं मार्केटा जी एंड 2022 में जो आपका यूएस ओपन हुआ था वो है आपके आइजा स्वैतेक एलजीए आइजी ये देख लेना एक बार यार ठीक है किशोर माली जी कह रहे हैं सर एफएसबी है 21 अगस्त को 25 को होगा कॉन्फ्रेंस और 25 26 27 को एफकेट का पेपर है कुछ समझ नहीं आ रहा है जस्ट जस्ट हाँ. uh, मैं किशोर माली जी ये बोलूंगा कि एस एस बी जाओ ही जाओ जरूरी नहीं है कि वहां पे कॉन्फ्रेंस uh, आउट ही हो वहां पे आप स्क्रीन आउट भी हो सकते हो और अगर कॉन्फ्रेंस आउट होते हो या फिर रिकमेंड होते हो तो बेस्ट है एंड वेट करो एडमिट कार्ड का अगर लकी हुए तो आपका एग्जाम सत्ताईस को भी हो सकता है राइट चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट ठीक है लॉन टेनिस में आपके ग्रैंड स्लैम के अलावा लॉन टेनिस में आपके ग्रैंड स्लैम के अलावा कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि डेविस कप लेवर कप कप एंड ग्रैंड स्लैम ठीक है ये सारे आपके लॉन टेनिस में इंपॉर्टेंट है इनको आप ध्यान रखेंगे ठीक है यहां तक हो गया यहां तक हो गया ना आगे देखते नेक्स्ट इज अच्छा टेबल टेनिस एंड गोल्फ के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट देख लो एक बार मारो टेबल टेनिस एंड गोल्फ लॉन टेनिस तो हो गया टेबल टेनिस एंड गोल्फ के तो आप बोलेंगे ठीक है ये देखिए तो ये आपके कप कप ठीक है जयलक्ष्मी कप राजकुमारी चैलेंज कप उसके बाद बर्ना बेला कप ये सारे आपके टेबल टेनिस वाले हैं रामानुजन ट्रॉफी महाराजा प्रथमपुरा कप ये सारे आपके टीटी वाले हैं गोल्फ की बात करूं तो आपके राइडर कप जेनेसिस ओपन फेडेक्स कप आरबीसी कनाडा कप उसके बाद आपका नमूरा कप प्रेसिडेंट्स कप

कि सर आपके एग्जाम पड़ गया है तो शायद वो आपकी कुछ मदद कर पाए ठीक है चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहा हुआ था 2022 का जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहां हुआ था बताइए 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जल्दी आंसर करिए सब लोग 2022 का जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम है वो कहा हुआ था ठीक है तो आप बोलेंगे कि सर ये हुआ था हमारा बर्गिम बर्मिंगघम इंग्लैंड में कहा हुआ था बर्मिंगम में इंग्लैंड में राइट right? बर्मिंगम इंग्लैंड ओके okay? चलो अच्छा जब 2022 का पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट वाला कहां पे होगा राइट right? कहां पे नेक्स्ट वाला तो नहीं पहले एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं हु ऑन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और यहां पे आप यही बताएंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की क्या पोजीशन थी पहला कि 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते और दूसरा इंडिया की क्या पोजीशन थी जल्दी इंडिया की क्या पोजीशन थी तो आप बोलेंगे कि भैया इंडिया की जो पोजीशन है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेके जाने वाली जो टीम है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया राइट सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन टीम ऑस्ट्रेलिया और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारी इंडिया की पोजीशन थी वो थी फोर्थ नंबर क्या थी फोर्थ नंबर चौथे नंबर पे थे हम बाइस गोल्ड थे आई गेस बाईस गोल्ड के साथ नोट कर लो इसको आप लोग बाइस गोल्ड के साथ हम चौथे पोजीशन पे थे ठीक है फिर आपसे अगर पूछा जाए कि 2026 नोट डाउन कर लिया इंडिया के पोजीशन फोर्थ और ऑस्ट्रेलिया थी सबसे ज्यादा गोल्ड लेके आने वाली ठीक है इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए विच स्पोर्ट्स मेड इट्स डेब्यू इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स तो आप क्या बताएंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किस स्पोर्ट्स ने अपना डेब्यू किया ये शायद तुम लोगों को पता होगा हां जी 2022 में 22 20 गोल्ड वेरी गुड अनुराग भाई बहुत बढ़िया जल्दी बताइए नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं। यह आपका बीच वॉलीबॉल बीच वॉलीबॉल फर्स्ट टाइम आया था अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ कहा था तो आप बोलेंगे 1930 में स्टार्ट हुआ था कब हुआ था 1930 में सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है वो स्टार्ट हुआ था अब आपके लिए क्वेश्चन और है आप ये बताइए जो जरा हाँ आप ये बताइए कि फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आया था इसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आया था ये बताओ फर्स्ट गोल्ड मेडल फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आया था तो आप बोलेंगे ये थी हमारी मीराबाई चानू गोल्ड कौन थी मीराबाई चानू मीराबाई चानू अच्छा जब ये भी पूछ लिया तो आप ये बताओगे कि मीराबाई चानू जी का अगर गोल्ड लेके आई है और आप ये बता दो कि सबसे पहला मेडल कौन सा मिला था हमें सबसे पहला मेडल मैं हिंट दे रहा हूं कि सबसे पहला हमें सिल्वर मेडल मिला था उसको जीत के कौन लाए थे ये आप बता दो उसको जीत के कौन लाए थे सबसे पहला मेडल तो आप बोलेंगे वो है आपके संकेत महादेव जो कि वेट लिफ्टिंग पचपन के में क्या नाम था उनका संकेत संकेत महादेव महादेव वेट लिफ्टिंग फिफ्टी फाइव के जी में ठीक है चलिए तो यहां तक का सफर रहा सारे टूर्नामेंट्स का राइट right. ऑप्शन uh, देख लूंगा मैं देख लूंगा मैं अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं ऑप्शन देख लूंगा राइट right? बीच वॉली वॉली फर्स्ट टाइम आया था अगर इसमें से कोई और भी है तो मैं देख लूंगा ठीक है परेशान मत हो, ठीक है अच्छा संकेत महादेव सागरकर वेट लिफ्टिंग पचपन के जी अब आप लोग यहां पे हेडिंग डालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए इसका नाम है आप लिखेंगे आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप लिख लो आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सब लोग लिखो एक बार नोट करो इसको आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सबसे पहले ये कौन सा अगर आपसे पूछा जाए ठीक है कि ये कौन सा एडिशन था तो आप बोलेंगे कि ये हमारा 8th एडिशन था क्या था 8th एडिशन ठीक है 8th एडिशन था इसका विनर कौन बना तो विनर बना इंग्लैंड कौन बना इंग्लैंड भाई साहब ठीक है इसके बाद हारा कौन इंग्लैंड ने किसको हराया तो वो पाकिस्तान कौन पाकिस्तान ये हुआ कहां था तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया राइट ये कहां पे हुआ था तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया ठीक है नेक्स्ट नाइन्थ एडिशन जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइन्थ एडिशन कहां होने वाला है तो आप बोलेंगे जल्दी बताओ नाइन्थ एडिशन तो आप बोलेंगे कि सर वो होगा 2024 में वेस्ट इंडीज एंड यूएई वेस्ट इंडीज यूएई ध्यान रखेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है इस पता है प्लेयर प्ले अगर मैं पूछूं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था इसमें इंग्लैंड के प्लेयर हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज क्या बताओगे बताओ जल्दी बताओ तो आप बोलेंगे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो आपके करण थे कौन है करण एस ए एम के ए आर ए एम एस ए एम के ए आर ए एन राइट करण ठीक है यहां तक नोट कर लिया चलो अब एक चीज और ध्यान रखो अब लिखो स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स ठीक है लिखवाता हूं मैं तीन चार जो है ठीक है लिखवाता हूं मैं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे ठीक है क्या करें नोट डाउन कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा सारा आप उसका आ जाएगा ठीक है चलो उन करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिखो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं बताओ जल्दी बास्केटबॉल बास्केटबॉल में तो आप बोलोगे नाइन होते हैं राइट गोल्फ में श्योर नहीं होते गोल्फ में श्योर नहीं होते बास्केटबॉल में सॉरी 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 ये पांच होता है बेसबॉल में नहीं होते बेसबॉल में बेसबॉल में बेसबॉल में कंफ्यूज हो गया बास्केटबॉल में पांच पांच बेसबॉल में नौ ठीक है ठीक है हो गया कबड्डी में कबड्डी लिख लो कबड्डी में आपके कबड्डी में आपके साथ होते हैं एंड खो खो इसमें आपके नाइन होते हैं नोट कर जाओ कबड्डी में सात खो खो में नाइन ठीक है एक गेम होता है लेक्रॉस इसमें दस पैर होते हैं नेट बॉल, इसमें आप लोग सात नोट करोगे एक होता है आपका रग्बी फुटबॉल इसमें आप पंद्रह नोट करना मेरी राइटिंग तो यार मासा कसम से इसमें आप पंद्रह नोट करना ठीक है पंद्रह डन और लास्ट लिख लो आप लोग पोलो जिसमें चार नोट डाउन करना कितना करना चार ये हो गया सबका वेरी गुड ये कर लिया सबने अगर ये कर लिया तो आज का लास्ट लिखेंगे वो है हमारा थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स 2022 डाल लो हेडिंग थर्टी सिक्स एक मिनट थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स नेशनल गेम्स 2022 बाईस ठीक है थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स दो हजार बाईस ये कहां पे हुआ तो आप क्या बोलेंगे ये हुआ गुजरात में ठीक है कहां हुआ गुजरात में कहां हुआ था आपका गुजरात में गुजरात थर्टी सिक्स ये नेशनल गेम्स ठीक है गुजरात में हुआ था ठीक है इसमें दो स्पोर्ट्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था एक तो आपका योगासन था योगासना पूजा नाम की लड़की थी उसको पहला गोल्ड शायद मिला था योगाशना। और दूसरा एक मलिकाबम कुछ बोलते हैं मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा कंफर्म नहीं हो रहा आप लोग कंफर्म करना एक था योगासना और एक एम से करके कुछ होता यार ध्यान नहीं पड़ रहा एक जो मलखम्ब होता है राइट हाँ, योगाशन एंड मलखम ठीक है चलिए ठीक है तो ये आपके नेशनल गेम्स से ये था आपके स्पोर्ट्स का तामझाम ये है आपका छोटा सा बस स्पोर्ट्स का तामझाम आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो स्पोर्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन थे वो सारे में लेके आ गया था चाहे वो सानिया मिर्जा वाला केस हो या हमारे नीरज चोपड़ा वाले भैया का ज्यूरिच वाला सारी चीजें आ गई थी जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब मैंने कवर करा दिया और चेस वाला रहता है चेस वाले बहुत कम पूछते हैं अगर आप चाहो तो चेस का देख लेना एंड ये स्पोर्ट्स के टर्म्स मैंने इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि वो टाइम पास है केवल रटने की चीजें हैं कि गैम किसका होता है ये किसका होता है उसमें कुछ भी लिमिटेड नहीं है एक क्वेश्चन कहीं से पूछ लेते हैं तो आई विल सजेस्ट कि जो डिफेंस मैनिया ऐप के ऊपर आपको एफकेट की बुक दी है वहां भी गेम्स के टर्म दिए हुए हैं पाथ फाइंडर कोर्स में भी दिए हुए हैं पाथ गेम्स के टर्म वो इंपॉर्टेंट वाले हैं अगर आप पाथ फाइंडर बैच में हो या नहीं हो उसको लेके आप वहां पर चीजों को देख सकते हो वहां पर आपका इजिली रिविजन हो जाएगा कम टाइम में सारे टॉपिक का इनकेस अगर आप अभी स्टार्ट भी कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि गो फॉर पाथ फाइंडर वहां पर तुम्हारा काम हो जाएगा बाकी आप बताओ आज की क्लास कैसी लगी आपको एंड मैथ्स के लिए जो शुरू किया है या फिर जो पाथ फाइंड ये जो नया क्रैश कोर्स आपके लिए ले लेके आया हूं मैं इसमें आपको क्या क्या हेल्प चाहिए वो सब हम देख सकते हैं सब कुछ ठीक आई होप कि मेरी कॉम्पलिशन की जो मेहनत है वो तुम्हारे लिए काम आई होगी और तुम्हें हाँ टर्मिनोलॉजी रटने वाली है यार अनुराग ठीक है एकदम रटने वाली है उसमें चाहे जितना डाल लो उतना कम है बहुत ज्यादा रटना है तो आई वुड सजेस्ट जो मेन मेन गेम्स हैं, उनके प्लीज रट डालना वो जीके वाली बुक में भी है और वाले ने भी, जहां से मिल जाए, ठीक है? हो गया ना बहुत बढ़िया ठीक है सो so, कल का गैप लेंगे आप इसको रिवाइज करेंगे एंड बाकी कुछ भी आपको डाउट uh, हो पूछना हो कुछ भी हो तो आप सीधा आप व्हाट्सएप कर देना दैट इज एट सेवन जीरो नाइन फोर नाइन सिक्स फोर सेवन फोर पे एंड बेस्ट पार्ट इज की पाथफाइंडर फाइंडर अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है एफ कैट तो आप जाके उसको एप पे इनरोल कर सकते हो उसकी वैलिडिटी को मैंने बढ़ा के अगले एग्जाम यानी कि आपके एफ वन दो हजार चौबीस तक कर दिया है थैंक यू सो मच ऑल जय हिंद लव यू अबे स्पोर्ट्स ही था बस खत्म हो गया चलो